हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर सोनिक स्मार्ट क्लासेस। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो गाइस, आज हम लोग रिलेशन बिटवीन पढ़ेंगे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है गाइस, तो इसको मैं प्रूफ कर बता देता हूँ। जैसे गाइस मैंने बताया क्या था, सम ऑफ जीरोज, क्या सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये मैं आपको आज प्रूफ कर बताऊंगा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखना, सबसे पहले मुझे दो जीरोज मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, दो जीरो। तो मैं मान रहा हूं लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो मैंने अल्फा और बीटा को क्या मान लिया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स मान लिया। अभी माना ये है ना, जैसे मैंने अगले वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा उसमें मैं बता रखा हूं, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स में। तो मैंने यहाँ पे मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो गाइस मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या होता है। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, जनरल पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है गाइस, जबकि क्या होना चाहिए, वे ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगर ए इज इक्वल टू नॉट जीरो अगर होता है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं देन, यानी पी एक्स इज इक्वल टू क्या बता दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जनरल हमारा फार्मूला होता है, यानी जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखना गाइस मैं क्या कर रहा हूं, अभी एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखना गाइस एक्स इज इक्वल टू अल्फा है। ठीक है, और क्या है, एक्स इज इक्वल टू बीटा है, यानी एक्स इज इक्वल टू अल्फा है और बीटा। तो गाइस यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, एक्स है ये इधर लेकर आएंगे तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी हमको एक एक्स माइनस अल्फा मिल गया और एक क्या मिल गया, एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो ये मैंने क्या मान लिया, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ना उसका मैंने क्या मान लिया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ये क्या उसका फैक्टर है। ठीक है गाइस, यानी ये फैक्टर है। तो यहाँ पे देखना गाइस क्या होता है, देयरफॉर मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी है ना, यही हमारा पी एक्स है ना। तो पी एक्स का फैक्टर मैंने क्या बताया, x माइनस अल्फा, फिर क्या बताया, x माइनस बीटा। और इसमें गाइस एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा मैं क्या कर रहा हूँ, के कांस्टेंट, यानी के कांस्टेंट से क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, यानी प्रोडक्ट। यानी के क्या हमारा कांस्टेंट है, क्या के हमारा कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सिंपली देखना मल्टीप्लाई करा देता हूँ पहले। ठीक है, प्रोडक्ट आप लोग ने अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिक्स सेवन्थ ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स मल्टीप्लाई कराते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा से माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स अल्फा हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस अल्फा और बीटा हो गया गाइस। तो यहाँ पे देखना गाइस सिंपली सी के है ना, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर दो, k x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस में कॉमन ले ले रहा हूं और x भी कॉमन ले ले रहा हूं। ठीक है, k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी k हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखना k अल्फा और बीटा हो गया। ठीक है गाइस, अब कुछ नहीं करना है, x जो यहाँ पे x स्क्वायर है ना, यहाँ पे बस मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ को एक्स एक्स के साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखना के इज इक्वल टू वहां पे क्या है, ए। ठीक है, यहाँ पे के अल्फा प्लस बीटा है, वहां पे क्या है भाई, बी है। यहाँ पे देखना गाइस अल्फा बीटा ना, यानी के अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है गाइस,
तो यहाँ पे k इज इक्वल टू a दे रखा ना गाइस। तो यहाँ पे देखना इस वाले इक्वेशन में, यानी k अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखना k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू k है ना, k के जगह हमारा क्या है a है, a है ना, सॉरी गाइस, यहाँ पे माइनस k अल्फा प्लस बीटा होगा, क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा, ठीक है माइनस, तो यहाँ पे माइनस के है, तो यहाँ पे गाइस देखना k इज इक्वल टू ए, यानी k के जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ a लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना माइनस a अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, यहाँ पे यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर लेकर जाते तो माइनस b बाय a, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय a आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखना गाइस, ठीक है, k अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है c है, तो यहाँ पे a रख दूं, a अल्फा बीटा इज इक्वल टू c, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। अभी आप लोग को गाइस समझ में आ गया होगा ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, क्या है ये जीरोज हैं, तो गाइस इसी को कहते हैं अल्फा और बीटा क्या, यानी यहाँ पे देखना अल्फा और बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज क्या हो गया माइनस बी बाई ए, क्या हो गया माइनस बी बाई ए। तो गाइस यहाँ पे बी है ना बी, अब आते हैं अपने पहले वाले इक्वेशन में, यहाँ पर देखना गाइस पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, अभी देखना अभी मैंने कोफिशियंट आप लोग को कुछ बताया था, x का कोफिशियंट इसमें क्या है b है, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं माइनस कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ x अपॉन a क्या है कोफिशियंट कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, यानी आप लोग को अब समझ में आ गया होगा सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। अब गाइस यहाँ पे देखना अल्फा बीटा ना इनटू है ना, यानी प्रोडक्ट है, क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है c बाई a, अब ये c क्या पहले वाले इक्वेशन में देख लेना गाइस, c क्या क्या कॉन्स्टेंट है, क्या है कॉन्स्टेंट, क्योंकि वहां पे कोई वेरिएबल है ही नहीं यार, वहां पे कॉन्स्टेंट चेंज कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो गाइस में ये आप लोग का जो रिलेशन बिटवीन था ना ये आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कैसे करना है, ठीक है गाइस। गाइस आप लोग का जो क्वेश्चन है ये रहा, क्या कर रहा फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई दैट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। मैंने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पहले ही बता रखा इससे पहले वाले वीडियो में, यानी पार्ट टू में बता रखा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, ठीक है सॉल्यूशन। यहाँ पे देखना पहले मैंने बोला था लेट, मानना पड़ेगा क्या पी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स, मैंने बोला था गाइस सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो पावर होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या कर लेते हैं अरेंज कर लेते हैं, तो इसको अरेंज कर लेना गाइस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री। अभी इसको हमको क्या लेना है फिर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तभी ना हमारा जीरो जब पॉलिनोमियल्स निकलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ सिक्स एक्स स्क्वायर को पहले फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे देखना पी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ, तो फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ तो गाइस इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देना क्या हो जाएगा एटीन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे देखना 9 टू जा क्या होता है 6x स्क्वायर माइनस
माइनस का साइन है माइनस, और नाइन में से टू माइनस कर देते हैं तो सेवन बचता। गाइस यहाँ पे देखना, नाइन में से टू जा सॉरी नाइन में से टू माइनस करोगे तो सेवन आ जाएगा, और नाइन में टू मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटीन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपली क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन कर देना, यानी सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अभी यहाँ पे देखना, इसमें क्या कॉमन मिला गाइस, थ्री कॉमन मिला और एक्स भी कॉमन मिला, तो थ्री और एक्स कॉमन लिखते हैं तो यहाँ पे बचता है टू एक्स माइनस थ्री। यहाँ पे ऑलरेडी टू एक्स माइनस वन देख रहा है गाइस, तो वन प्लस वन क्या कर लेना, कॉमन ले लेना। ठीक है, टू एक्स माइनस थ्री, अभी देखना टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, थ्री एक्स प्लस वन बचा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखना मैंने सिंपली फैक्टराइजेशन कर रखा, अब क्या करने वाला हूँ, पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो गाइस यहाँ पे देखना सिंपली ये माइनस है ना, तो एल एच एस टू आर एच एस जब हम लोग लेकर जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, थ्री बाई टू आ गई, यानी एक वैल्यू निकल गई हमारी, दूसरी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, थ्री एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस है तो इधर जाकर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, यानी अब हमारी दूसरी वैल्यू भी जाके क्या हो गई, निकल गई। ठीक है गाइस, अभी मैंने आप लोग को बताया अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस ना, यहाँ पे देखना गाइस अल्फा की वैल्यू क्या है, थ्री बाई टू है। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाई थ्री, यानी यही दो जीरोज होते हैं, यही हमारे जीरोज है। ठीक है गाइस, अल्फा भी और बीटा भी हमारे क्या है, जीरोज है। तो गाइस अब वेरीफाई कराते हैं, क्या कराना हमको, वेरीफाई। ठीक है गाइस, वेरीफाई किसमें कराना, रिलेशन जीरोज और कोफिशियंट के बीच ना गाइस, तो हमने तो जीरोज निकाल दिया, सिंपली यहाँ तक जीरोज निकाल कर छोड़ देना, अगर जीरोज और पॉलिनोमियल्स पूछेगा तब। ठीक है गाइस, यहाँ पे वेरीफाई कराता हूँ, तो वेरीफाई हमको क्या करना था, पहले सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ जीरो सॉरी गाइस, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग करते हैं गाइस, तो अल्फा की वैल्यू थ्री बाई टू है। ठीक है, यहाँ पे देखना गाइस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है, अभी ये अगर आ जाएगा ना माइनस बी बाई ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे थ्री बाई टू है ना, देखना प्लस, मैं यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री लिख देता हूँ ब्रेकेट में। ठीक है गाइस, थ्री बाई टू हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस वन बाई थ्री। सिंपली अब हम लोग को क्या करना है, एलसीएम लेना, जबकि आएगा क्या, सिक्स टू थ्री जा सिक्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन और यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स यानी माइनस टू। तो गाइस यहाँ पे देखना क्या आ गया, सेवन बाई सिक्स आ गया, क्या आ गया, सेवन बाई सिक्स। तो गाइस ये क्या होता है, सेवन माइनस कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, यानी यहाँ पे देखना कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या सिक्स है, क्या है, आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे ये रहा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिक्स है, सही है। यहाँ पे माइनस आप लोग को यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखना माइनस सेवन है, क्या माइनस सेवन है, इसलिए यहाँ पे प्लस है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस भी है ना, तो यहाँ पे देखना गाइस माइनस बी, बी की वैल्यू क्या नहीं, माइनस सेवन बाई सिक्स हो जाएगी, तभी ना माइनस बी और सिक्स के बराबर होगी। ठीक है, तो यानी माइनस सेवन यहाँ पे हो गया, यानी सेवन ये भी सही है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है गाइस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखना क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, क्या होता है गाइस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो गाइस ध्यान से देखना, अल्फा बीटा में मैं क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री से, यहाँ पे देखना गाइस थ्री से थ्री कर दे, क्या बचा माइनस वन बाई टू, अब सी बाई ए आ गया। आप लोग कहेंगे नहीं ये तो गलत है यार, कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्स्टेंट माइनस थ्री है और कोफिश ये होता क्या, कॉन्स्टेंट होता है ना कॉन्स्टेंट, और ये क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। तो गाइज आप लोग क्या कहेंगे, ये तो गलत है, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे टू है, और जबकि हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सिक्स आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी सिक्स है और यहाँ पे माइनस थ्री आएगा। तो सिंपली गाइज आप लोग को घबराना नहीं है, पहले आप लोग को देख लीजिए क्वेश्चन में, थोड़ा माइंड लगा लीजिए, उसके बाद आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना माइनस वन है ना, माइनस वन बाय टू, अगर मैं यहाँ पे थ्री और ऊपर नीचे थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे थ्री थ्री डिवाइड हो जाएगा, वन वन वैल्यू वही आएगी, तो अब मल्टीप्लाई करा लेना गाइस, माइनस थ्री ये क्या हो गया, टू थ्री जा सिक्स। तो गाइस अभी देखना, माइनस थ्री क्या था, कॉन्स्टेंट था ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, सिक्स आ गया ना आप लोग का गाइज। तो आई होप गाइज आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो गाइज आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।